और आप देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। केंद्र में सत्ता संभाले मोदी सरकार को आज 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पीएम खुद असम में हैं, जबकि बीजेपी देश भर में मोदी यानी मेकिंग ऑफ डेवलप इंडिया के नाम से प्रचार अभियान चला रही है। इसके तहत सरकार के 3 साल के कामकाज को गिनाया जाएगा। मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री आज से 15 जून तक अलग अलग शहरों में जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। पीएम मोदी ने आज असम में देश के सबसे बड़े पुल धौला सादिया का उद्घाटन किया। पीएम मोदी पुल पर पैदल चले, पुल का मुआयना किया। इसे एशिया का भी सबसे बड़ा पुल कहा जा रहा है। पुल से असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी 5 घंटे कम हो जाएगी। पुल 9 किलोमीटर लंबा है, लागत 2000 करोड़ की बताई जा रही है। पुल चीन की सीमा के करीब। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों के हालात बद से बदतर हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष के साथ लंच पर बैठक की। सोनिया गांधी ने 17 विपक्षी दलों के नेताओं को लंच पर बुलाया। बैठक में मायावती, शरद यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। सीबीएसई के छात्रों के लिए दोहरी खुशखबरी है। छात्रों को नंबर बढ़ाकर देने की पॉलिसी को जारी रखने के लिए सीबीएसई तैयार हो गई है। वहीं कल या परसों 12वीं क्लास के रिजल्ट की भी घोषणा हो सकती है। श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और उनके साथी ठहाके लगा रहे थे। अलगाववादियों के साथ चाय पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की अगुवाई में एक टीम कश्मीर पहुंची थी। उनके साथ पत्रकार विनोद शर्मा, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल काक, समाजसेवी आईडी खजूरिया और समाजसेवी ओपी शाह मौजूद थे। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने पहचान बदलकर रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी नागरिक झज्जर के बहादुरगढ़ इलाके में एक मंदिर में रह रहा था। उसके पास से मंदिर के पते पर बना आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी जब्त किया गया है। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों की एक और करतूत सामने आई है। यहाँ के इमरी विहार रेलवे स्टेशन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, एक ट्रेन के इंजन को भी आग लगा दी। मंगलवार को असम के तेजपुर के पास से गायब हुए सुखोई 30 विमान का मलबा मिल गया। विमान में 2 सवार मौजूद थे। तेजपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर चीनी बॉर्डर के पास घने जंगलों में मलबा मिला है।